कार के पीछे वाले कांच पर पतली सी लाइन क्यों होती है? रेल के डिब्बे पर लिखे नंबर का क्या मतलब होता है? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट पीएनसी पर। तो कैसे हो आप? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मोबाइल फ़ोन में 0.034 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 0.35 ग्राम चांदी का भी इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन बनाने में होता है। दरअसल फ़ोन के जिस पार्ट्स में गोल्ड छिपा होता है उसमें मदरबोर्ड, स्पीकर, चिप, कीपैड आदि शामिल हैं। आपने देखा होगा कि किसी लग्जरी कार या फिर किसी कार का जो टॉप मॉडल होता है उसके पीछे वाले कांच पर कुछ पतली पतली लाइंस बनी होती हैं। क्या आप जानते हैं यह क्यों बनाई जाती है? क्या ये सिर्फ डिज़ाइन है? कार पर बनी इन लाइन को डिफोगर लाइन कहा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि बारिश और कोहरे के दौरान कार के पीछे वाले कांच पर होता है, उस पर धुंध जम जाती है जिससे चला रहे ड्राइवर को पीछे का कुछ नज़र नहीं आता है। तो ऐसे में डिफॉगर को चालू कर दिया जाता है जिससे कुछ ही सेकेंड में पीछे वाला कांच साफ हो जाता है। क्या आप जानते हैं नाखून और बाल काटते वक्त हमें दर्द क्यों नहीं होता है? दरअसल हमारे शरीर के सभी हिस्सों में नस पाए जाते हैं, क्योंकि बाल और नाखून में कोई नस नहीं पाया जाता और नाखून बाल डेड सेल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए नाखून और बाल को काटते वक्त हमें दर्द नहीं होता है। बहुत तेज गति से मसाला या किसी भी चीज़ को पीसते समय जार के अंदर बहुत गर्मी उत्पन्न हो जाती है जिसे बाहर निकालने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जार के ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जिससे गर्मी जार से बाहर निकल पाती है। अगर गर्मी को निकालने के लिए कोई छेद नहीं दिया जाए तो जार के अंदर प्रेशर बन जाएगा जिससे दुर्घटना हो सकती है। और जब मिक्सर को चालू करते हैं तो उसके ढक्कन के छेद को अपने हाथ से दबाकर ना रखें। आपने तो रात में हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा होगा और उस पर लगी लाइट को भी देखा होगा। हवाई जहाज के दो पंख होते हैं, उस पर तीन तरह की लाइट लगी होती है, लाल, हरी और सफ़ेद। यह लाइट बेहद ख़ास काम के लिए लगाई जाती है। हवाई जहाज़ में लगी इन लाइट को नेविगेशन या पोजीशन लाइट कहा जाता है और ये हमेशा जलती रहती हैं। इन लाइट के वजह से पायलट को काफ़ी मदद मिलती है। दरअसल इन लाइट को देखकर पायलट दूर से ही समझ जाते हैं कि सामने वाला हवाई जहाज़ की दिशा में जा रहा है। शुरुआत में मोबाइल फ़ोन के कैमरे बीच में होते थे, लेकिन अब स्मार्टफोन के कैमरे लेफ्ट साइड में क्यों होते हैं? दरअसल अधिकतर लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं जिससे हम आसानी से फ़ोटो और वीडियो को शूट कर सकते हैं। जब हम कैमरा घुमाकर लैंडस्केप करते हैं तब भी कैमरा ऊपर की तरफ ही रहता है जिससे लैंडस्केप फ़ोटो आसानी से ले सकते हैं। और लेफ्ट साइड में कैमरा होने के कारण कैमरा हाथ या उंगली से छुपता नहीं है। आपने ट्रेन में तो सफ़र किया ही होगा और आपने देखा होगा कि जिस कोच में आप सफ़र करते हैं उस कोच पर एक नंबर लिखा होता है जो 4, 5 या 6 नंबर का होता है। क्या कभी सोचा है आपने इस नंबर का क्या मतलब होता है? जैसे किसी कोच का नंबर 0122 है तो इसके 01 का मतलब है कि ये कोच 2001 में बनाया है। और अगर कोच पर 92322 नंबर है तो 92 का मतलब है ये कोच 1992 में बना है और इसके बाद का नंबर सीरियल नंबर होता है। हर कोच के रख रखवार या रिपेयर का एक टाइम होता है, जैसे 5 साल या 10 साल, इतने समय के बाद इन कोच को रिपेयर किया जाता है। या अगर वे कोच इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते हैं तो उनकी जगह दूसरा कोच बना दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।